वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चुनाव आयोग ने ईवीएम पर 3 जून से खुले चैलेंज का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक हर दल को हैकिंग के लिए 4-4 घंटे का वक्त दिया जाएगा। साथ ही आयोग ने कहा कि अब तक गड़बड़ी के सारे दावे गलत साबित हुए हैं, इसलिए अब पूरा मौका सभी पार्टियों को दिया जाएगा जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। हर दल को 4 घंटे दिए जाएंगे जिसमें वो हैकिंग होती है ईवीएम के साथ ये साबित करके दिखाएं। 3 जून से हैक करने का मौका दिया जाएगा। हर दल को ये मौका मिलेगा जिन्हें इस बात की आशंका है कि ईवीएम के साथ हैकिंग मुमकिन है। ड्यूरिंग अवर मीटिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज 12 मई को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें आयोग ने अपनी समस्त राजनीतिक पार्टियों को ये आश्वस्त किया था कि एक ओपन चैलेंज का आयोजन किया जाएगा और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये अवसर प्रदान किया जाएगा कि वे हाल ही के 5 राज्यों में इस्तेमाल की गई मशीनों के संबंध में यह डेमोंस्ट्रेट करें कि वे टेम्पर्ड थीं। ये पहला चैलेंज है और दूसरा चैलेंज ये भी एक अवसर प्रदान किया जाएगा कि वे मशीनें जो चुनाव आयोग के तकनीकी और एडमिनिस्ट्रेटिव सुरक्षा में रहती हैं, कस्टडी में रहती हैं, उसमें रहते हुए भी क्या उनको टेम्पर किया जा सकता है। एंड देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाउ प्रपोज टू ओपन द चैलेंज ऑन 3 जून ऑनवर्ड टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। आई रिपीट, चुनाव आयोग 3 जून 2017 से आगे 3 जून से प्रारंभ करके और आगे तक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज का आयोजन कर रहे हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, अब तो पूरा मौका दिया जा रहा है, खास तौर पर आम आदमी पार्टी जिनको पूरा संशय है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी मुमकिन है, अब वो साबित करके दिखाएं, इसी ने खुली चुनौती दी है। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे ईवीएम की सुरक्षा और संरक्षा के फीचर्स को लेकर चुनाव आयोग ने धनुष यज्ञ का आयोजन कर दिया है और खुली चुनौती दे दी है कि कौन इस ईवीएम के धनुष पर हैकिंग और टेम्परिंग की प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। 3 जून का मौका है, जिन लोगों ने दावे किए हैं उन लोगों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि उन्हें अपने दावे या तो सिद्ध करने पड़ेंगे या फिर अपने आरोप वापस लेने पड़ेंगे। देखना होगा कि कौन सा वीर वहां पर पहुंचता है या फिर चुनाव आयोग को आखिर में कहना पड़ेगा कि क्या पृथ्वी वीरों से खाली है। तो उसमें अब चुनाव आयोग ने 3 जून का टाइम तय कर दिया है। पिछली बार से अब तक ये राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही थी हमें मशीन छूने नहीं दी, इस बार उन्हें छूने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें ऐलान करना पड़ेगा कौन से नंबर का बटन दबाने वाले हैं, नहीं तो कोई भी बटन दबाने के बाद ये आरोप लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग ने वहां पर गड़बड़ कर दी थी और हमारा वाला बटन हमने ये दबाया। और जी बिल्कुल, संजय बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।